गाइस आई एम बैक विद अनदर वीडियो। आज इस वीडियो के अंदर हम बनाने वाले हैं एक मॉडल जिसका डायमेंशन है मेरे पास यहाँ पर, एज़ यू कैन सी आई हैव अ टॉप मॉडल सेक्शन व्यू एंड फ्रंट व्यू। सो विद द हेल्प ऑफ दीज थ्री व्यूज़ आई एम गोइंग टू मेक अ मॉडल, अ 3D मॉडल। सो यू मे बी थिंकिंग दैट देर इज़ नो 3D मॉडल ऑफ दीज थ्री व्यू आर प्रिंट ऑन दिस पेपर, बट आई एम गोइंग टू मेक द मॉडल, सो डोंट वरी अबाउट इट। सो मैं अभी यहाँ पे एक मॉडल बनाने वाला हूँ। ये है टॉप व्यू, यहाँ से सेक्शन व्यू है मेरे पास और फ्रंट व्यू है। सो इसको मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ साइड में, आप चाहें तो वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो हम ये स्टार्ट करते हैं एनएक्स के ऊपर हम एक बनाने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले स्केच लेते हैं और सेक्शन व्यू से हम शुरू करेंगे। वीडियो के लास्ट में मैं आपको शो करूंगा कि कौन सा व्यू कैसा है। ये बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी एनएक्स सीख रहे हैं या फिर जो अभी बिल्कुल बेसिक में हैं, जिनको मॉडल बनाने में प्रॉब्लम होती है। जो एडवांस हैं उनके लिए बहुत इजी है, वो एक बार में ही देखकर समझ गए होंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। मैं यहाँ से ये वाला प्लेन लेता हूँ और ओके, कोई भी प्लेन आप ले सकते हैं, ऐसे ज़रूरी नहीं है जो मैं लूँ वही आप सेलेक्ट करें। सो हम यहाँ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लाइन कमांड लेते हैं और मैं क्या काम करता हूँ, आई विल इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, डिसकंटिन्यूस को मैं ऑफ़ कर देता हूँ। यहाँ से मैं चलता हूँ एक लाइन, सबसे पहले मैं यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। अब यहाँ पर पहले मैं इसको डायमेंशन कर लेता हूँ थोड़ा सा, उसके बाद हम आगे बनाएंगे। इसको एस्केप करेंगे और यहाँ से मैं एक लाइन और ड्रॉ कर देता हूँ ऊपर की तरफ। यहाँ पर ये जो वर्टिकल लाइन है इसकी टोटल लेंथ है 40। तो यहाँ से हम चलते हैं डायमेंशन के ऊपर, यहाँ से लेंगे रैपिड डायमेंशन। रैपिड डायमेंशन लेने के बाद हम इसको क्लिक करेंगे और इसको यहाँ पर डाल देता हूँ मैं 40। क्लोज। अब यहाँ से थोड़ा सा मॉडल बना लेते हैं पहले और इसको मैं क्लिक करता हूँ, थोड़ा सा मॉडल मैं बना लेता हूँ जिससे कि मुझे डायमेंशन के लिए आसानी रहे। टोटल लेंथ है इसकी, यहाँ से आप देख पा रहे हैं 95 इसकी टोटल लेंथ है। तो यहाँ से लेंगे स्मार्ट डायमेंशन लीनियर, हम यहाँ से लेते हैं और यहाँ से इसको सेलेक्ट करेंगे हॉरिजॉन्टल और इस पॉइंट से यहाँ पॉइंट को हम देंगे कितना 95। तो इसको मैं 95 यहाँ पर डाल देता हूँ। 95 डाला तो ये कुछ इस तरीके से हो गया है। तो ये पॉइंट मैं ड्रैग करके थोड़ा पीछे की तरफ ले जाता हूँ और इसको भी थोड़ा सा ड्रैग कर लेते हैं पीछे की तरफ। गाइस ये प्रॉब्लम तब आती है जब हम डायमेंशन सही से नहीं देते, तो ये डायमेंशन आपको बिल्कुल ठीक से देना है, तो आपको इसे याद रखना है। ये वाला सेक्शन है 32 और ये वाला सेक्शन है मेरे पास 16। तो यहाँ से मैं डायमेंशन लेता हूँ, यहाँ से यहाँ तक हम डालेंगे कितना 32। क्लोज। फिर से लेता हूँ मैं डायमेंशन और यहाँ से यहाँ तक मैं डायमेंशन दूंगा 16। 16 हो गया, यहाँ पर मैंने दिखाया था 32 और 16। अब ये वाला जो गैप है ये 6 है, सो लेट्स असाइन दिस वैल्यूज दिस डायमेंशन टू 6। यहाँ से मैं ये वाला जो पॉइंट है, इस वाला जो पॉइंट है, यहाँ से मैं इसको वैल्यू असाइन करूँगा 6। क्लोज। और अभी आप एक चीज़ देख सकते हैं कि ये एकदम सीध में नहीं है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, कंट्रोल की प्रेस करेंगे, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन हम सेलेक्ट करते हैं, या एक काम करेंगे यहाँ से हम चलेंगे कंस्ट्रेंट के ऊपर, यहाँ पर आता है कोलिनियर, तो यहाँ से मैं कोलिनियर ले लेता हूँ, कोलिनियर यहाँ से ले लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास काफ़ी सारे कंस्ट्रेंट हैं, कॉन्स्टेंट लेंथ भी है, फिक्स्ड भी है, इनको चाहे तो आप शो कर सकते हैं तो आपको सब दिखाई देगा यहाँ पर, तो क्लोज़ कर देते हैं। यहाँ से हम चलते हैं, इसको डायमेंशन कर देते हैं फटाफट। ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट होना चाहिए 6। तो ये आप देख सकते हैं एकदम इक्वल आ गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। लाइन कमांड लेंगे, अब मैं यहाँ से मॉडल को बना लेता हूँ और यहाँ से इसको बनाना स्टार्ट कर देता हूँ मैं। और थोड़ा सा इसको नीचे भी बनाएंगे, फिर हम चलेंगे लेफ़्ट
थोड़ा सा ऊपर की तरफ भी आएंगे, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर आएंगे और इस लाइन को यहाँ मैच करा देंगे। ठीक है, ये हमने इसका मॉडल यहाँ पर तैयार कर लिया है। अब यहाँ पर डालते हैं हम लोग डायमेंशन, यहाँ से इस पॉइंट तक हमारे पास डायमेंशन होगी 27। सो यहाँ से हम ले लेते हैं लीनियर डायमेंशन, सेलेक्ट दीज टू पॉइंट्स फॉर गिविंग द डायमेंशन, और ये हमें डायमेंशन देना है, इसको लेंगे हम लोग हॉरिजॉन्टल। हाँ, हॉरिजॉन्टल लिया और यहाँ पर हम वैल्यू यहाँ पर फीड करेंगे 27। फिर नेक्स्ट ये वाला पॉइंट और इस पॉइंट को हम लोग सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम लोग वैल्यू फीड करेंगे 12। और फिर से यहाँ पर चलते हैं हम लोग 6 है ये वाली वैल्यू जो यहाँ से ये वाली जो वर्टिकल लाइन है और ये वाला जो पॉइंट है यहाँ से ये वैल्यू 6 है, यहाँ से वैल्यू 6 हो गई। और यहाँ पर हमारे पास और क्या है, यहाँ पे 4 है इस लाइन की लेंथ, तो हम क्या करेंगे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इसको करेंगे वर्टिकल। ओके, कोई बात नहीं, यहाँ से ये लाइन हमारे पास है 4, यहाँ पर ये डायमेंशन यहाँ पर शो की हुई है 4 है, और इसकी जो हाइट है वो यहाँ पे 16 गिवन है। सो असाइन वैल्यू 16, सेलेक्ट दिस लाइन एंड दिस बॉटम लाइन एंड फीड द वैल्यू 16 हेयर इन दिस बॉक्स। एंड वी हैव अनदर डायमेंशन, दिस 32 डायमेंशन, अगेन लीनियर डायमेंशन, सेलेक्ट वर्टिकल दिस अब दिस टॉप लाइन एंड दिस बॉटम लाइन एंड फीड 32 हेयर। ओके, एंड लेट्स सी विच डायमेंशन आई हैव नॉट गिवन येट, 27, 12, 6, 32, 12 यहाँ पर डायमेंशन है। हाँ, तो हम यहाँ से हमें नेक्स्ट डायमेंशन जो डालनी पड़ेगी, ये जो पॉइंट है और ये वाली जो लाइन है इसको हमें वैल्यू डालना पड़ेगा 12। ओके, ये यहाँ पे ओवर कंस्ट्रेंट हो रहा है तो इसको यहाँ से हम लोग हटा देते हैं, ओवर कंस्ट्रेंट यहाँ पर है। अब देखते हैं हमारी ज्योमेट्री किस डायरेक्शन में मूव कर रही है। ओके, ये वाला डायमेंशन अभी है नहीं हमारे पास, तो इसको हम यहाँ पे डालेंगे 12। यहाँ से ये 12 भी दिया हुआ है तो ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, इस पॉइंट से ये पॉइंट यहाँ पे हम वैल्यू डालेंगे 12, क्लोज। अब यहाँ पर देखना है क्या डायमेंशन रहती है, तो यहाँ से कुछ हम मूव करा कर देखते हैं, अगर कुछ यहाँ पर मूव हो रहा है तो उसको हम डायमेंशन देखेंगे। कंस्ट्रेंट करने के लिए सबसे आसान तरीका है आप अपनी ड्राइंग को देखिए मूव करा के कि वो किस डायरेक्शन में मूव हो रही है, जिस भी डायरेक्शन में वो मूव हो रही है समझ लीजिए वही डायमेंशन आपको यहाँ पर डालनी है। सो ये वाली डायमेंशन मुझे यहाँ पर डालनी है तो ये मूव हो गया है, तो लीनियर डायमेंशन लेंगे और यहाँ पर लेते हैं वर्टिकल ये पॉइंट और ये पॉइंट, और यहाँ पर हम लोग इसे असाइन करेंगे वैल्यू 4 और इसको क्लोज कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं माई स्केच इज़ फुल्ली कंस्ट्रेंट नाउ, सो नेक्स्ट थिंग व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़ आई एम गोइंग टू एक्सट्रूड दिस स्केच। नाउ हाउ मच यू नीड टू स्केच एक्सट्रूड दिस, सो वी हैव अ वैल्यू ऑफ 40 हेयर, सेलेक्ट एक्सट्रूड एंड सेलेक्ट एक्सट्रूड डायरेक्शन एक्स, क्लिक। इन केस योर स्केच इज़ नॉट गोइंग टू योर स्केच इज़ नॉट इज एक्सट्रूडिंग, सो kindly please check your direction of extruding, on which direction you are extruding। यहाँ पर मैं वैल्यू डालता हूँ 40 डालता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ सिमेट्री वैल्यू 40 है, इसको हम 20 करेंगे, सिमेट्री वैल्यू सेलेक्ट करने के बाद इसको अप्लाई कर देंगे, क्लोज कर देंगे। इसको राइट क्लिक करते हैं हम लोग यहाँ पर और इसको हाइड कर देते हैं। अब यहाँ से सबसे पहले हम लोग चलेंगे इस साइड व्यू के अंदर, आपको यहाँ पर एक थिकनेस यहाँ पर नज़र आ रही है 4, ये वाला जो 12 है टॉप व्यू से ये इसका सेक्शन कटा हुआ है, तो इसको मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँगा। अभी स्केच लेंगे, इस फेस को सेलेक्ट करेंगे और इसको ओके करेंगे, जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा। अब यहाँ पे सबसे पहले हमको सेलेक्ट करना पड़ेगा प्रोजेक्ट कर्व, इस लाइन को सेलेक्ट करेंगे अप्लाई और इसको करेंगे कैंसिल, यहाँ पर कुछ ड्रॉ कर लेते हैं।
ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद इसकी जो लेंथ है वो 12 है, 4 mm ये डीप है। यहाँ से जो 10 आ रहा है मेरे पास, इसको कर देंगे हम लोग डबल क्लिक करके 4। ओके, ये वाली जो वैल्यू है डबल क्लिक करेंगे, इसे कर देंगे हम लोग 12 क्लोज 12। अब ये टोटल 40 है, तो इसको अभी हमें मिड में लाना होगा। तो यहाँ से मिड में कैसे लेकर आएंगे, चाहे तो आप ये वैल्यू डाल सकते हैं। अब आपको करना क्या पड़ेगा, आपको 40 में से 12 माइनस करना पड़ेगा। तो जब 40 में से आप 12 माइनस करेंगे तो आपको यहाँ पर वैल्यू समझ में आएगी। तो मैं जल्दी से वैल्यू डालता हूँ। सो मेरे पास कैलकुलेटर है तो मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ, और यहाँ से 12 हम इसके अंदर माइनस करेंगे तो ये बचेगा 28। तो 28 का हाफ़ कितना होगा, 14। तो यहाँ से डबल क्लिक करेंगे और इसको हम लोग डालेंगे 14, और इसको क्लोज़ कर देते हैं। अगर आपकी वैल्यू यहाँ से आपने स्विच ऑफ़ कर रखी है तो स्विच ऑफ़ भी कर सकते हैं वैसे तो, अगर नहीं है तो आप यहाँ से इसको ऑन भी कर सकते हो। यहाँ से अब हम इसको ट्रिम कर देते हैं, यहाँ से ट्रिम कमांड लेंगे, एक्सेसिव पोर्शन यहाँ से ट्रिम करना पड़ेगा, क्लोज़ करेंगे, फिनिश करेंगे और इसको कर देंगे हम लोग एक्सट्रूड। ये वाला स्केच एक्सट्रूड होगा और डायरेक्शन हमारे पास होगी डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या है हमारे पास, डाउनवर्ड डायरेक्शन है जेड। तो यहाँ से हम लोग मैं जाता हूँ और जेड यहाँ पे चलेंगे, रिवर्स डायरेक्शन में आना चाहिए, इन्फ्रेड है, मेरे को यहाँ पे सब्ट्रैक करना है। इसको अप्लाई करेंगे, कैंसिल करेंगे, ये वाला स्केच मैं यहाँ से हाइड कर देता हूँ। ओके, अब नेक्स्ट है ये वाला स्केच, ठीक है ना। ये स्केच कितना आगे तक गया हुआ है, ये इस आगे तक, इतना आगे तक गया हुआ है। और यहाँ से ये वाला स्केच हम बनाएंगे इसके ऊपर अभी। इसके लिए हमें स्केच लेना पड़ेगा, स्केच लेना पड़ेगा और इस फेस पे हमें स्केच करना पड़ेगा और इसको ओके करना पड़ेगा। ओके करने के बाद यहाँ से स्केच ड्रॉ करेंगे हम लोग। तो मैं यहाँ से एक स्केच ड्रॉ करूँगा, पहले एक रफ़ स्केच में बना लेता हूँ। ऐसे है ना, कहीं पे अगर लाइन के साथ डॉटेड लाइन आए तो आपको वहाँ क्लिक नहीं करना, क्योंकि उससे आपकी जो ड्राइंग है वो उसी डायरेक्शन में फिक्स हो जाएगी। ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, ओके, एस्केप कर दिया मैंने और इस लाइन को सेलेक्ट किया और इसको मैंने बना दिया हॉरिजॉन्टल। अब यहाँ पर डायमेंशन करना पड़ेगा, 16 है यहाँ पर डायमेंशन, तो लीनियर डायमेंशन आएगा यहाँ से यहाँ तक, और इसको हम लोग करेंगे हॉरिजॉन्टल। यहाँ पे हम वैल्यू डालेंगे 16, ओके, फिर ये वाला वैल्यू और इस सेंटर वाली वैल्यू, ये हो जाएगा 16/2। ये अपनी जगह से नहीं हिल रहा है, मतलब कि ये फिक्स हो गया है यहाँ पे। तो गाइस मैं यही आपको समझाना चाह रहा था। यहाँ से इसको मैं ट्रिम कर देता हूँ और इसे भी ट्रिम कर देता हूँ, ठीक है, क्लोज़ कर दिया। यहाँ से मैं आराम से एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ये जो पॉइंट आते हैं ना गाइस, यहाँ बिल्कुल नहीं आना चाहिए। तो क्या होगा ना, ये यहीं पर फिक्स हो जाएगा। यहाँ से लीनियर डायमेंशन लिया और मैं यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डायमेंशन लेता हूँ, 16 डालेंगे। अब देखेंगे ये 16 होता है नहीं होता है, क्लोज। और यहाँ से मैंने फिर से लिया डायमेंशन, ये वाला जो पॉइंट है, और इसको क्लोज़ करता हूँ, फिर से लेते हैं। ये वाला जो पॉइंट है और ये वाली जो लाइन है, यहाँ से मैं वैल्यू डालूँगा 16/2, ठीक है। और ये नीचे से 24 है इसकी लेंथ, तो यहाँ से भी चलते हैं, लीनियर डायमेंशन लेते हैं। ये वाला जो पोर्शन है इसको डालेंगे हम लोग 24, क्लोज़। फिर से दोबारा लेता हूँ, ये वाला जो पॉइंट है और ये वाला जो पॉइंट है, 24/2, ठीक है, ये सेंटर में आ जाएगा। नेक्स्ट आता है मेरे पास ये डिग्री है ना, तो इस डिग्री को डालना पड़ेगा, 56 डिग्री है ये। तो यहाँ से एंगुलर लेंगे, ये वाला और ये वाला,
ये 56 डिग्री आएगा, ठीक है, और ये क्लोज़ हो जाएगा। अब यहाँ से हमको इसकी हाइट भी डालनी पड़ेगी, तो लीनियर डायमेंशन लेने के बाद यहाँ से सेलेक्ट करेंगे वर्टिकल, और ये वर्टिकल लाइन मैं सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पॉइंट से इसको डायमेंशन डाल देता हूँ 20। यहाँ से हमने सारी डायमेंशन दे दी है, तो ये डायमेंशन शायद यहाँ से मैं एंगुलर लेता हूँ फिर से, ये वाली जो ये वाली लाइन है इसको भी डालेंगे 56। ये भी 56 नहीं हो रही, मीन्स ये लाइन हमारी कंस्टेंट हो रही है। फिफ्टी सिक्स और यहाँ से 56 है, एक बार फिर से देख लेते हैं कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है। ये 56 है, ये भी ठीक है, तो इसको हम अंडू कर देते हैं। तो यहाँ से एक बार वैल्यू देखते हैं, अगर अगर ये वापस से ब्लैक रेड हो जाता है, ये 26.1 है, तो यहाँ शायद थोड़ी सी डायमेंशन में यहाँ पर दिक्कत है, तो हम इसको इतना ही रहने देते हैं। और यहाँ से हम लोग करते हैं फिनिश। फिनिश करने के बाद यहाँ से हम लोग एक्सट्रूड लेंगे, एक्सट्रूड करना पड़ेगा वाई डायरेक्शन में, देख रहे हो ये वाई डायरेक्शन में जा रहा है, वाई आ रहा है, तो यहाँ से हमें लेना पड़ेगा वाई डायरेक्शन, ठीक है। और यहाँ से हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा कर्व, कर्व है हमारे पास ये, इसको हमें करना पड़ेगा रिवर्स, और इसको करना पड़ेगा हमें अप टू नेक्स्ट, ठीक है, अनटिल नेक्स्ट, और यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा और इसे कैंसिल करेंगे, तो कुछ ऐसा हमें दिखाई दे रहा है, और इसको हम हाइड कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से जो लास्ट हमारे पास है, ये हमें ये वाला एक रेक्टेंगल यहाँ पर ड्रॉ करना पड़ेगा। यहाँ से चलते हैं इसके ऊपर, क्लिक करेंगे इसको, ओके कर देते हैं। यहाँ पर मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर देता हूँ ऐसे ही, इसकी लेंथ है 25 और 3 का इसका है डायमेंशन, तो इसको डबल क्लिक करता हूँ, ये यहाँ पे 3 डाल दिया मैंने, और ओके। अब ये इसको मैं क्लोज़ करता हूँ, ये जो है यहाँ पर इसको बाहर ले आते हैं, 20 डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे वैल्यू डालेंगे 25, यहाँ पर देख रहे हो 3 और ये 25 है। अब यहाँ से 25 डिवाइडेड बाय 2, 25 डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो एकदम सेंटर में आ जाएगा। अब यहाँ से हमको कुछ नहीं करना, फिनिश करना है जस्ट हमको इसे, और यहाँ से हमें एक्सट्रूड करना पड़ेगा ये, और एक्सट्रूड का डायरेक्शन होगा जेड, सब्ट्रैक्ट, अप्लाई करेंगे, और यहाँ से हमें कैंसिल करना होगा। कैंसिल करने के बाद यहाँ से राइट क्लिक करते हैं, इसको हाइड कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैंने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया है, तो आप देख सकते हैं कि मॉडल हमारा पूरी तरीके से रेडी है, ठीक है। ये जो पार्ट है, ये जो मॉडल है, ये आपका स्लाइडिंग जॉ टाइप है, तो ये उस चीज़ का ये यहाँ पे मॉडल है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन सा मॉडल हमें यहाँ शो हो रहा है। अभी अगर मैं इसको ऐसे करता हूँ, जिनको भी बच्चों को मॉडल समझने में दिक्कत होती है व्यूज़, तो ध्यान से देखें, ये वाला जो व्यू है, जैसा कि आप इसमें अभी देख पा रहे हैं, ये जो व्यू है ये आपको ऐसा दिखाई दे रहा है। यहाँ से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एग्जैक्ट ऐसा ही दिखाई देगा ये, ठीक है। और ये वाला जो व्यू है ये आपको ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये आपको ऐसा दिखाई दे रहा है, यहाँ से आपको इसका ज़िगज़ैग ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। और यहाँ से अब हम आते हैं सेक्शन व्यू में। ये जो सेक्शन व्यू है ये इसको बीच से कट किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से मैं रखता हूँ इसको ऐसे, ये सेक्शन व्यू है, आपको ऐसा दिखाई देगा, बीच में से कट किया हुआ है तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। तो यहाँ से हम लोग चलते हैं इसके अंदर, और यहाँ से एजेस भी दिखाई देंगी कुछ मेरे को, वायर फ्रेम में चलते हैं, तो आपको इसकी एजेस दिखाई दे रही होंगी। अब मैं इसको ऐसे कर देता हूँ,
हाँ ये बिल्कुल कुछ ऐसा आपको दिखाई दे रहा होगा, ये साइड की लाइनें हैं, ये वाली लाइनें हैं, तो इस तरीके से आप मॉडल को समझ सकते हैं। तो आई होप आपको ये मेरा ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। ये ट्यूटोरियल बेसिकली उन बच्चों के लिए था जो जो स्टूडेंट्स अभी सीख रहे हैं, जिनको व्यूज समझने में प्रॉब्लम होती है, ये उनके लिए ट्यूटोरियल था। तो आगे हम ऐसी ट्यूटोरियल लाते रहेंगे। प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकन फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।